नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरक्षण प्रेजेंट में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपकी, यह है टीवीएस अपाचे 180। ठीक है फ्रेंड, 180 सीसी में ये बाइक है। और आज की वीडियो फ्रेंड में ये बताने वाला हूँ, यानी कि इस गाड़ी में जो शिकायत है यानी कि डिस्क ब्रेक की शिकायत है, वो देख रहे हो आपकी उधर डिस्क ब्रेक मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें जो प्रॉब्लम है ये ब्रेकिंग टाइम, यानी कि जो ब्रेक लगाते हैं हम तो फिर गाड़ी आवाज़ बहुत करती है, यानी कि चीं 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 आवाज़ आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा यानी कि ये जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व कर रही है तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि देख रहे हो आपके ब्रेक पैड ये नए पड़े हुए हैं बिल्कुल, और इसमें जो मसाला है मसाला काफ़ी ज़्यादा है, और दोनों ही ब्रेक पैड नए हैं, और इसमें जो ब्रेक पैड नए पड़े हुए हैं वो यानी कि जो मैक एमके के होते हैं वही हैं, एमके मैक से ये सेम ही होते हैं फिलहाल, पर ये थोड़ी मीडियम क्वालिटी के हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसके ब्रेक पैड नए पड़े हुए हैं, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकिंग टाइम चूचू चूचू आवाज़ कर रही है। तो इसको ये जो प्रॉब्लम है इसको सही करने के लिए हमको ये ब्रेक पैड जो है यहाँ पर घिसने पड़ेंगे सही तरीके से एमरी पेपर पे, यानी कि ये जो है इस मटेरियल, ये मटेरियल थोड़ा हार्ड होने से ऐसा होता है कि थोड़ा वो साउंड की प्रॉब्लम आने लगती है। और ये जो ब्रेक थाल होती है फ्रेंड, ये यानी कि जो पहिए में लगी हुई होती है इसको थाल भी कहते हैं, और अलग अलग नाम कहते हैं इसको, डिस्क ब्रेक थाल है फिलहाल, और डिस्क ब्रेक प्लेट भी कहते हैं। ठीक, ये जो डिस्क ब्रेक थाल देख रहे हो फ्रेंड, आपको इस पर भी थोड़ा ब्रेक माल सही तरीके से घिसना है अच्छे तरीके से, तब जाके बड़े तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है एक बार को बाई चांस अगर आप इस पर एमडी पेपर ब्रेक माल नहीं मारेंगे, पर इन ब्रेक पैड पे एमडी पेपर ब्रेक माल मारने की जरूरत है होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस हिसाब से आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये जो है ये ब्रेक पैड इसको सही तरीके से इस हिसाब से यहाँ पर घिसे जाएंगे बिल्कुल सही तरीके से, बड़े तरीके से फिर सही तरीके से फिट कर दिए जाएंगे। वो एलंकी का बोर्ड देख रहा हूँ, एलंकी बोर्ड है, एलंकी का बोर्ड ये। तो फ्रेंड, ब्रेक जो आवाज़ करते हैं यानी कि ब्रेक जो आवाज़ करते हैं वो तो वो यही चीज़ आवाज़ करती है, इसके ये जो मटेरियल होता है मटेरियल बहुत हार्ड हो जाता है, तो इस वजह से ये आवाज़ करता है ब्रेक। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए होंगे फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो ब्रेकिंग साउंड की प्रॉब्लम होती है वो ब्रेक पैड से ज़्यादा होती है, और ब्रेक क्लीन करने के बाद ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। और क्लीन करने का ऑप्शन यही है कि आप इस ब्रेक पैड को अच्छे तरीके से एमरी पेपर पर, ये जो देख रहे हो इसको इंग्लिश में एमरी पेपर कहते हैं, हिंदी में रेक माल कहते हैं, रेक माल पे आप घिस के सही तरीके से बड़े तरीके से फिट कर देना, और आपकी बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो ब्रेक में आती है चूँ चूँ टाइप की। ठीक है फिलहाल अब मैं इसका काम शुरू करता हूँ, प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, और इसके जो ब्रेक की साउंड है वो ख़त्म करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड ये गाड़ी बताऊँ मैं आपको, गाड़ी जो है, गाड़ी है ये 2020 मॉडल है, और ये जो है BS6 गाड़ी है, यानी कि देख रहा हूँ आप, यानी कि ये जो फॉल्ट है आया है इसमें BS6 गाड़ी में आया है ये फॉल्ट, और इसका जो कंडीशन है बहुत काफ़ी डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि ये पाइप निकला हुआ है और इधर एक और पाइप का सिस्टम था वो भी निकला हुआ है, ये देख रहा हूँ आप दोनों साइड के पाइप जो हैं वो निकले पड़े हैं, और ऐसी चल रही है गाड़ी, पता नहीं क्या सिस्टम कराया था उन्होंने कहाँ पर। फिलहाल जो BS6 गाड़ी है इनमें शिकायत थोड़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से फ्रेंड आप ज़रा थोड़ा बारीकी से थोड़ा ध्यान रखना, इनकी फिर दिक्कत होगा। ठीक है।